फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक सरप्राइजेस गेम की मस्ती लेकर आई हूँ, एक अलग अंदाज में, जिसमें हमें लेफ्ट और राइट की मस्ती के साथ मेंबर्स को, बैठे हुए मेंबर्स को सरप्राइज गिफ्ट देने हैं। आज हमें गिफ्ट जो हम पहने हैं उसके बेसिस पे नहीं मिलेंगे, आज हमें गिफ्ट जो हमारे पास बैठी फ्रेंड है उसके बेसिस पे हमें मिलेंगे। तो गेम शुरू करते हैं। मैं अनु सिंघल आप सभी का अपने चैनल पर चल रहे तीज मेले में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमें सारे मेंबर्स को सर्किल में बिठा देना है। आज मैं 8 लोगों का डेमो दे रही हूँ। सर्किल में ही सभी मेंबर्स को हम बिठा देंगे। ये देखिए, ये हमने 8 मेंबर्स को सर्किल में बिठा दिया है। अब क्या बात आएगी फ्रेंड्स, अब जो है हमने कुछ सरप्राइज बना लेने जो आपको देने हो। आपके ग्रुप में जितने भी आपको गिफ्ट देने हो उससे 3-4 सरप्राइजेस आप ज़्यादा बनाइए। पहले मैं लिस्ट बता दूँ कि आज मैंने आपके लिए क्या क्या सरप्राइज सोचे हैं। आप मुझे बताना ना भूलें कौन सा सरप्राइज आपको बिल्कुल नया लगा जो अभी तक आपने नहीं खेला हो या नहीं खिलवाया हो। जैसे बैक ओपन ब्लाउज पहना हूँ, हाथ फूल हाथ में पहना हूँ, बाजू बंद पहना हूँ, बालों में फ्लावर लगाया हूँ, वो चाहे रियल हो या फेक हो, चूड़ियों में लटकन हूँ, लंबा टाइप जो हमारी चूड़ियाँ हम लोग पहनते हैं जी, लटकन बनी हुई होती है वो हो, पर्स में कुछ लटका हुआ हो जैसे रिबन टाइप, आजकल पर्स का बहुत फैशन है, कोई टैटू लगा हुआ होता है, कोई बीड्स की माला लगी हुई होती है, इस टाइप से कुछ भी हो। पर्स में आपके बिंदी का पत्ता या मेहंदी का कोन हो या दोनों चीजें हो तो उनको आप विनर देंगे। ड्रेस पर दुपट्टा हो, कई बार ड्रेस हमारी बिना दुपट्टे वाली होती है, दुपट्टा हो तभी आपको सरप्राइज मिलेगा। नेल आर्ट करी हुई हो, बालों में एक भी पिन नहीं लगी हो, मतलब बिल्कुल खुले प्लेन बाल हो, जिसके कंगन सबसे ज्यादा चौड़े पहने हो, जिसने जिसकी साड़ी का बॉर्डर सबसे ज्यादा चौड़ा हो, जिसकी साड़ी का बॉर्डर सबसे ज्यादा पतला हो, मेहंदी का टैटू लगाया हुआ हो चाहे वो पीठ पे हो चाहे वो हाथ पे हो, पर्स में मेकअप का सामान सबसे ज्यादा हो, लिपस्टिक लाइनर काजल पेंसिल कुछ भी, कॉम मिरर कुछ भी हो सकता है मेकअप का सामान। घर से तैयार होकर पहले ही सेल्फी लो, जिस प्रोग्राम में आप पहुंचे हैं, जिस गेटअप में आप पहुंचे हैं उसकी सेल्फी आपके फोन में हो, जब मेंबर बोले तब सेल्फी पहले ही खींची हुई होगी, इसमें कोई चीटिंग की कोई बात भी नहीं है। दुपट्टा स्टॉल टाइप ये सबसे पतला हो, आजकल पतले दुपट्टे चल रहे हैं, सबसे पतला दुपट्टा जिस भी मेंबर का होगा वो इस विनर का सरप्राइज का हकदार होगा। जिसके कान में 6 सबसे ज्यादा हो, आजकल बहुत ट्रेंड है 2 छेद 3 छेद 4 छेद, इस टाइप से भी आप गिफ्ट, मैंने ये 1 से लेकर 18 तक के सरप्राइज आपके लिए लिखे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मुझे बताना ना भूलें कौन सा सरप्राइज आपको अपील करा। अब आते हैं लेफ्ट राइट की मस्ती के साथ, हमें ये सरप्राइज अपने मेंबर्स के बीच में देने कैसे हैं। इन सरप्राइजेस को हम शीट्स के फॉर्म में कर लेंगे। इन सब पे मैंने 4 सरप्राइज लिखे हुए, आपको जितने गिफ्ट देने हो उससे 2-4 ज्यादा आप लिख के रख लें। अब फ्रेंड्स, जो मैंने आपको मेंबर दिखाए थे इनको आपको बंद करके एक पाउच में रख लेना है, एक बाउल में या एक पाउच में, जो भी मेंबर्स आपके गेम में खेलने आ रहे हैं। कई बार कुछ मेंबर एब्सेंट हो जाते हैं, ये आपको पहले से पता होगा, तो उसकी चिट जब आपके आप पास आए तो वो हटा दें। सिंपली एक आपके पास बंच है जिसमें सरप्राइज लिखे हुए हैं, एक बंच है आपके पास कि आपके मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं। अब मैंने कोई भी पहले हमें मेंबर का नाम जो है वो लेना है, चिट खोलनी है। सोनल, अब यहाँ पे जो सोनल बैठी हुई होंगी वो अपना नाम सुन के चौकन्नी हो जाएगी कि हाँ भाई होस्ट ने मेरा नाम लिया है। अब होस्ट इनमें से एक सरप्राइज की चिट पिक करेगा। सपोज ये कि ब्लाउज हरे रंग का पहना हुआ हो। अब फ्रेंड्स, सोनल ने ब्लाउज हरे रंग का पहना हो या ना पहना हो, जो हमारे सर्किल में मेंबर्स बैठे हुए हैं, सपोज इनके पास ये बैठी हैं, ये बैठी हैं, ये बैठी हैं, तो अब हमें ये देखना है कि ब्लाउज सोनल ने पहना है, मैंने इससे कोई मतलब नहीं, सोनल ने पहना है तो गिफ्ट सोनल का नहीं होगा। अगर वो हरे रंग का ब्लाउज जो आपके चिट सरप्राइज की खुली है वो आपके लेफ्ट या राइट, इन दोनों में से किसी एक ने वो चिट फुलफिल कर रहा हो जो चिट निकली है, तो फिर गिफ्ट सोनल को मिलेगा। अगर हरा ब्लाउज इन्होंने पहना है तो भी गिफ्ट सोनल का, इन्होंने पहना है तो भी गिफ्ट का, इन दोनों में से किसी एक ने भी पहना है तब भी गिफ्ट सोनल का, लेकिन इन दोनों ने नहीं पहना है और सोनल ने पहना है तो गिफ्ट सोनल को नहीं मिलेगा। आज हम जो पहनेंगे उसका गिफ्ट हमें नहीं मिलेगा। आज जो हमारी फ्रेंड्स पहनेंगी, वो फ्रेंड्स कौन सी, जो हमारे इधर या उधर। इसलिए आपको इस गेम में मेंबर को सर्किल में ही बिठाना है कि उसके लेफ्ट में भी कोई मेंबर बैठा हो और उसके राइट में भी कोई मेंबर बैठा हो, जिसका भी आप नाम लेंगे चिट उठाएंगे उसका। तो अब अगर उन्होंने पहना है तो इन दोनों में से किसी एक ने, तो गिफ्ट इनका, नहीं तो नहीं। सपोज हमारा ये गिफ्ट जिसको हमने दे दिया फुलफिल हो गया, नीतू ने पहना हुआ था, सोनल गिफ्ट मिल गया, तो फिर चिट हम हटा देंगे। अगर ये हमारा सरप्राइज पूरा नहीं होता तो फिर हम इसे इस चिट में ही मिक्स कर देते और दोबारा से नाम लेते हैं, किसी भी और का जो आता, किसी ने भी पहना हुआ होता तो उसे लेफ्ट राइट की मस्ती के साथ मिल जाता। अब सपोज हमारा गिफ्ट मिल गया है, ये हमने कर दिया, अब हमने एक चिट पिक करी,
नाम लिया हमने शिखा का। तो अब एक चीज इसमें से ली जाएगी, शिखा चौकन्नी हो जाएंगी कि इनके पायल में घुंघरू हूँ। अब अगर इनके पायल में घुंघरू नहीं, इनके इधर कोई बैठा है सोनल और नीतू बैठी है इधर, तो इन दोनों में से अगर किसी ने घुंघरू वाली पायल पहनी है तो गिफ्ट शिखा का, और अगर शिखा ने पहनी है तो गिफ्ट शिखा का नहीं। इन दोनों की रिक्वायरमेंट, आपकी जो चिट निकली है उसकी रिक्वायरमेंट इन अगल बगल बैठे वालों को जरूर पूरी करनी है। तो अगर पजेब पहनी हुई है, सपोज नहीं पहनी किसी ने घुंघरू वाली पजेब, तो ये हमारा इसमें शफल होकर मिक्स हो जाएगा और हम एक नाम इसमें से और उठाएंगे। अब इसमें जो चिट पड़ी हुई है वो किसी मेंबर का नाम दो तीन बार भी आ सकता है, चिट है ये, किसी के मेंबर का नाम एक दो बार भी नहीं आ सकता है। तो ये हमारा पूरी लग गेम है, सरप्राइज गेम है, आपको पहनने ओढ़ने के ऊपर भी मिल जाएगा और चीटिंग की कोई चांस भी नहीं रहेगी, पार्शलिटी भी नहीं रहेगी, क्योंकि हमें हर बार लेफ्ट और राइट की मस्ती के साथ एक सरप्राइज बोलना है। अगर वो पूरा हो जाता है तो गिफ्ट उसका इसका नाम उठाएं, और पूरा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, चिट इसमें मिक्स करके हम दोबारा नाम लेंगे। ऐसे ही हमारा गेम ये, जब तक आपके सारे सरप्राइज नहीं बढ़ जाते गेम हमारा चलता रहेगा, है ना। कुछ अलग कुछ डिफरेंट अंदाज में सरप्राइज का गेम पसंद आया हो तो चेहरे पे स्माइल करके मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और इसी टाइप के इनोवेटिव नो प्रिपरेशन और सिंपल गेम्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।